सपा के गढ़ में कब्जा बरकरार करने में जुटी बीजेपी, कन्नौज में अखिलेश के खिलाफ उतरे योगी। अखिलेश को घेरने के चक्कर में सीएम योगी ने बीजेपी के मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक को दे दी टेंशन, कुछ ऐसा किया जिक्र। सुब्रत पाठक हैरान तो जरूर हुए होंगे, अखिलेश से भिड़ने के लिए तैयार सुब्रत पाठक को लग सकता है झटका, योगी ने दिए संकेत। राजनीति की दुनिया में कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है जिसके सामने आने के बाद नेता बोलने की स्थिति में नहीं रहता, बस मुंह खोलकर हैरत भरी निगाहों से अपने ही नेता को देखते रह जाता है। कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक इस वक्त तो इसी दौर से गुजर रहे होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेरते वक्त कुछ ऐसा कह दिया जिससे लगा कन्नौज में अखिलेश यादव से दो दो हाथ करने को तैयार सुब्रत पाठक इस बार तो पत्ता कट जाएगा। यानी सुब्रत के खिलाफ परिणाम को चाहता है, उससे पहले बीजेपी ने एक तरह से मान लिया अखिलेश जीत गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही उससे ऐसा लगा सुब्रत पाठक की जगह इस बार कन्नौज से बीजेपी किसी और को टिकट देने वाली है, वो कौन हो सकता है उस पर आए। उससे पहले सीएम योगी ने क्या कहा जिससे इस संकेत मिले वो जान लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्नौज में एमएलसी बनवारीलाल दोहरे के घर पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद बोर्डिंग ग्राउंड पहुंचे जहां उन्होंने भाजपा सांसद सुब्रत पाठक के पिता ओम प्रकाश पाठक के पुण्य स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर मंच से उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सीएम योगी ने कहा कि आज अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर नहीं बनता। सपा के लोग अयोध्या में भगवान राम का और कन्नौज में अम्बेडकर का विरोध करते हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार जहाँ एक तरफ विकास कार्यों को तेज से पूरा करती है वहीं आस्था का सम्मान भी करती है। जिया सीएम योगी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा सपा कार्यकाल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर संचालित कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया गया। सपा को न जाने क्यों बाबा साहब से चिढ़ है। एक तरफ सपा कार्यकर्ता अयोध्या में भगवान श्री राम का विरोध करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ कन्नौज में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का तिरस्कार करते हैं। समाजवादी पार्टी वोट तो जाति के नाम पर लेती है लेकिन काम केवल परिवार के लिए करती है। अब यहीं से सवाल पैदा होता है, आखिर अपने ब्राह्मण सांसद के पिता सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में दलितों को सपा के खिलाफ संदेश देने की जरूरत सीएम योगी ने क्यों समझी। जाहिर सी बात है बीजेपी आलाकमान से कुछ न कुछ संदेश तो जरूर मिले होंगे, संदेश यही कि सुब्रत पाठक की जगह किसी दलित समाज से आने वाले नेता को टिकट मिलेगा। तो ये नेता कौन हो सकता है? माना जा रहा है ये नेता और कोई नहीं दलित समाज से आने वाले असीम अरुण हो सकते हैं। अब बीजेपी ये कदम उठाने के लिए क्यों मजबूर हुई उसके पीछे जातीय समीकरण को समझिए। माना जाता है कन्नौज में 16% यादव 16% मुस्लिम हैं, जो सपा के पक्के वाले वोटर हैं। उधर 15% ब्राह्मण और 10% राजपूत हैं, जिनमें से ज्यादातर बीजेपी को ही वोट देते हैं। अब ऐसी स्थिति में बीजेपी को अगर दलित और गैर यादव ओबीसी का वोट चाहिए तो कन्नौज में दलितों की आबादी 2.5 लाख से ज्यादा है, जो किसी की भी जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। अब इसी जाति गणित के आधार पर लगता है सुब्रत पाठक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुकाबला करने से पहले ही हार गए, वो इस बार दर्शक की भूमिका में रहेंगे। बीजेपी की ओर से सपा के खिलाफ बैटिंग के लिए शायद असीम अरुण सबके सामने इस बार अखिलेश से मुकाबला करते दिखे।